हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से कैसे आप अपने बिजनेस को, रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है अपने बिजनेस के लिए, आपको अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। तो सबसे पहले अगर आपने आपके टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग करना। तो अगर आपका रेस्टोरेंट है तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं कुछ मेथड्स बताता हूं। जैसे गूगल ट्रेंड्स हैं, इस टूल पे आप जैसे ही जाओगे तो आप सर्च कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सी, जो कोई भी फूड है लोग सर्च करना पसंद करते हैं। किसी भी फूड के लिए अगर आपका एरिया फेमस है तो लोग उस फूड को सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करूंगा मुरथल परांठा, तो ये मुझे देखो डिटेल्स पता चल जाएंगी कि लोग कैसे सर्च कर रहे हैं और कहाँ से लोग सर्च कर रहे हैं इसको। दिल्ली से सर्चेज आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से सर्चेज आ रहे हैं। मुरथल एक्चुअली हरियाणा में एक विलेज है जहाँ के परांठे बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से लोग सर्च कर रहे हैं इस टर्म को। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ मुरथल परांठा, मुझे यहाँ पे डिटेल्स और डिटेल्स मुझे पता चल जाएगी कि मंथली सर्चेस कितने हैं, ठीक है। और यहाँ से व्यू ऑल करके मुझे ये भी पता चल जाएगा सर्चेस इस रेंज एज के लोग सर्च कर रहे हैं इसको। तो 25 से 34 एज के लोग मोस्टली 100% सर्चेज उन्हीं की आ रहे हैं। तो मुझे एज ग्रुप पता चल गया, ठीक है, इस पे सर्चेज पता चल गए, गूगल ट्रेंड से मुझे पता चल गया कि किस तरीके से इसको लोग सर्च कर रहे हैं, ट्रेंड कैसे जा रहा है, और मुझे पता चल गया कि किस एरिया से लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की डिटेल्स आप निकाल सकते हैं ये गूगल ट्रेंड से। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि कैसे आप गूगल ट्रेंड से मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं। और ये जो ऊबर सजेस्ट है, इससे जो डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो क्रिएट कर रखी है। तो कंप्लीट वीडियो आप ये देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके एरिया में जो भी देखना है आपको कि आपके एरिया में किस तरीके के फूड के लिए अगर आपका एरिया फेमस है तो उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो इस तरीके से कीवर्ड आप फाइंड आउट करके और उस पे आप सर्च कर सकते हो कि सर्चेज कितने हैं और आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ से सर्च करना पसंद कर रही है और उनके एज ग्रुप क्या है। एक मेथड तो हो गया ये, और दूसरा जो भी जहाँ पे भी आपका रेस्टोरेंट है उसके 5 किलोमीटर का जो एरिया है आपका, वहाँ पे आपको अपनी मार्केट करनी है, क्योंकि जहाँ पे रेस्टोरेंट है उसके आसपास के लोग ही आपके यहाँ पे आना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है आपकी टारगेट ऑडियंस का, तो आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट करनी है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आप आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी आप जो मेन्यू में डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या आप मेन्यू में दे रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मेंशन करनी है, ठीक है। और जो भी आपके जो भी वहाँ पे गेस्ट आते हैं उनकी आप वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। ब्लॉग वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, स्पीड ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने रेस्टोरेंट की एक वेबसाइट बना सकते हैं और जहाँ जो भी आप मेन्यूज में दे रहे हैं, जो भी आप फूड वहाँ पे दे रहे हैं, तो सारी डिटेल्स आप वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं। अगर ओल्ड होम डिलीवरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी डिटेल्स आप वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फोकस ऑन लोकल SEO, तो आपको इस पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ ढाबाज इन मुरथल या जैसे रेस्टोरेंट्स इन मुरथल, ठीक है। अगर मेरा मुरथल में कोई रेस्टोरेंट है या ढाबा है तो उससे रिलेटेड अगर मैं सर्च करूँ तो ये कीवर्ड्स मुझे मिलते हैं। जैसे ढाबाज इन मुरथल कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 8100 पर मंथ सर्चेस हो रहे हैं।
एज ग्रुप के लोग कौन से हैं, तो यहाँ से एज ग्रुप का भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं रेस्टोरेंट्स इन मुरथल करता हूँ, तो मुझे देखो ये यहाँ से एज ग्रुप का 100% जो सर्चेज आ रहे हैं वो 25 से 34 एज ग्रुप के लोगों के आ रहे हैं। मंथली सर्चेज इतने हैं। ठीक है, मुझे और कीवर्ड्स कुछ पता चल जाएंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स इन मुरथल, बेस्ट रेस्टोरेंट इन मुरथल, फेमस रेस्टोरेंट्स इन मुरथल, न्यू रेस्टोरेंट्स इन मुरथल। ठीक है, और यहाँ से भी मुझे ढाबाज के बारे में भी इसका डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी, बेस्ट ढाबाज इन मुरथल। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं देखो, जैसे ये आ गया एमरिक सुखदेव ढाबा मुरथल, मुरथल ढाबा सोनीपत। ठीक है, नॉन वेज ढाबा इन मुरथल, ओके, बेस्ट वेज रेस्टोरेंट्स इन मुरथल। तो इस तरीके से जो आपके लोकल जो कीवर्ड्स है, जो लोकल एसईओ में हेल्प करेंगे आपकी, तो उन कीवर्ड्स को आप पे फोकस करना है और उन पे आपको रैंक करना है, और आपका आपको गूगल माई बिजनेस पेज भी क्रिएट करना है आपके लिए, और जितने भी आपको रिव्यूज करवाने हैं आप वहां पे रिव्यूज करवा सकते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं। और जो भी आपके लोकल कीवर्ड्स है, जो लोकल कीवर्ड्स है लाइक ढाबा जिन मुरथल, ठीक है, और भी मैंने यहाँ पे जैसे बताए थे, तो ये जितने भी हैं इस तरीके के कीवर्ड्स को आप यूज करके अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। तो आपको लोकल एसईओ पे फोकस करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा ये। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। हमें जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जितने भी आप डिशेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी फूड आइटम्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी आप अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन जो होती हैं वीडियोस, जो जब खाना बन रहा है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके शेफ हैं उन वो खाना बनाते हुए उनकी वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं, आपके जो गेस्ट आ रहे हैं जो भी वहां पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी आप वीडियोस क्रिएट करके, इमेजेस क्रिएट करके वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर डेली बेसिस पे देखो कि आप अपने रेस्टोरेंट के अराउंड क्या क्या वीडियोस कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से कंटेंट, चाहे वो इमेजेस है, पिक्स है, आपके गेस्ट की वीडियोस है, बिहाइंड द सीन वीडियोस है, या कोई इवेंट आ रहा है, या कोई आपने कोई भी ऑफर्स वगैरह रन किए हैं, तो उससे रिलेटेड सारी आप कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है और अपने सोशल मीडिया के प्रेजेंस को इम्प्रूव करना है। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में भी ये होता है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आप रेस्टोरेंट बिजनेस के अराउंड, आपके रेस्टोरेंट के अराउंड कहाँ कहाँ से आप अपने कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके का कंटेंट क्रिएशन में ये भी आ जाता है कि अगर आप यूट्यूब एक चैनल मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से, और वहां पे जो भी डिशेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी आप अच्छे से वीडियोस बना के उन पे रेगुलरली वहां पे शेयर करें, या आपके जो भी खाने के लिए आ रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं उनकी वीडियोस क्रिएट करें, उनसे फीडबैक ले, वो वीडियोस क्रिए उनकी वीडियोस क्रिएट करें, कुछ इमेजेस, कोई फंक्शंस वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड वो वीडियोस आप क्रिएट करके, कंटेंट क्रिएट करके वो कंटेंट आप अपने ब्लॉग पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग से शेयर कर सकते हैं। तो ये कंटेंट फिर आपको मार्केट करना है, सबसे पहले है कंटेंट प्रोड्यूस करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स की हेल्प से। तो इस चीज को आप पे फोकस करके आप अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे कुछ होते हैं जो अपना यूट्यूब चैनल्स को मैनेज करते हैं, अपने ब्लॉग को मैनेज करते हैं, जिनके कुछ फॉलोवर्स हैं, अगर वो आपके रेस्टोरेंट में आते हैं, खाना खाते हैं, वहां पे वीडियो क्रिएट करते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपने चैनल पे, ब्लॉग पे या यूट्यूब पे शेयर करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी मार्केटिंग वहां से हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके कुछ फॉलोवर्स हैं जो उन पे ट्रस्ट करते हैं, अब वो आपके रेस्टोरेंट में आते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर करते हैं, तो इससे आपके रेस्टोरेंट की मार्केटिंग हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ लाइक यूट्यूब पे, जैसे मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, तो देखो
अब दिल्ली एरो सिटी अंडर रेट 300 बेस्ट फूड एट एरो सिटी फूड कैपिटल। तो यहाँ पे देखो इनके 86K सब्सक्राइबर है और यहाँ पे 3,33,000 यहाँ पे व्यू हो चुके हैं। अभी देखो ये नोएडा में था, फ्लाइंग रेस्टोरेंट इन नोएडा नियर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 379K व्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इनको इनवाइट कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट में, इनवाइट कर सकते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आप अगर इनको कुछ पे करना पड़े तो आप इन्हें पे भी कर सकते हैं, इससे आपकी अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी। तो आप इनको यूट्यूब की हेल्प से सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके इनकी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके कुछ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनके कम सब्सक्राइबर होंगे, कुछ के ज़्यादा, तो आपका जैसे भी बजट है, जिस तरीके से भी आपको ठीक लगता है, तो आप उस तरीके से इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। सिक्स पॉइंट आ जाता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने कोई भी, जो भी आपके यूजर आते हैं आपके रेस्टोरेंट में और वो खुद से इमेजेस क्रिएट करें, वीडियोस क्रिएट करें और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिसमें आपको कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, ये होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, कि वो खुद ही अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट को वहां पे टैग कर रहे हैं। तो इससे आपकी ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा क्या चीजें कर सकते हैं कि लोग आपके रेस्टोरेंट में कंटेंट क्रिएट करें और सोशल मीडिया पे शेयर करें। सबसे पहले तो जैसे कुछ आप ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं आप अपने रेस्टोरेंट में, सेल्फी पॉइंट्स, जहां पे लोग सेल्फी लेना पसंद करें। जैसे यहाँ पे अगर मैकडी में गए हो तो यहाँ पे लोग, इसको आपने जैसे ऐसे देखा ही होगा, यहाँ पे बच्चे हो या बड़े हो यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, इनका ब्रांड मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स ये यहाँ पे इनका ब्रांड नेम होता है। तो जो भी इसके साथ पिक्स क्लिक करता है, शेयर करता है, उसकी फिर ऑटोमेटिकली वो फ्री में ब्रांडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जब लोग खुद से कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर करते हैं। या कुछ आप कुछ इवेंट्स से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं, कुछ जैसे कि जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं, गेस्ट आते हैं, यूजर आते हैं, और वो इमेज क्लिक करो, आप हमारे फूड की इमेज क्लिक करो जो भी आप खाना खा रहे हैं, और उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, हमें टैग करो, जिस पे भी सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे तो उसको हम इस तरीके से कुछ आप दे सकते हैं, ऑफर कुछ देना हुआ, कुछ ऑफर देना हो, कुछ डिस्काउंट देना हो, या फ्री में कोई मील देनी हुई तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूजर जनरेटेड कंटेंट का यूज करके अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है रन ऑफर्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम अगर ऑफर्स भी रन करें तो ये भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी तक देखे हैं जहां पे कुछ रेस्टोरेंट्स में गया था, तो एक तो जो मुझे बहुत अच्छे लगे ऑफर्स और वो अच्छे चलते भी हैं, एक तो था कि आप वीक में किसी भी एक दिन, लाइक आप फ्राइडे को करो कि फ्राइडे को हमारे रेस्टोरेंट पे आओ, आप जो भी मील लोगे उसमें हम एक के साथ एक फ्री देंगे। जैसे आपका कोई भी मील ले रहे हो, मान लो आप पिज्जा ले रहे हो, पिज्जा अगर आपने एक पिज्जा लिया तो उसके साथ दूसरा पिज्जा हम आपको फ्री देंगे। तो ये आप इस तरीके से एक ऑफर रन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑफर आप क्या रन कर सकते हो, लाइक पूरे वीक में आप एक दिन ऐसा डिसाइड करो कि लाइक फ्राइडे को या संडे को या मंडे को, किसी भी दिन आप एक डिसाइड करो कि इस टाइम हमारे 5 से शाम को 5 से 8 बजे तक हमारे यहाँ पे जो भी आप खाना लोगे उस पे 80% या 90% डिस्काउंट है। तो इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, लोग उसको शेयर करेंगे, वहां पे आएंगे। अगर एक बार आपने उनको बुला लिया अपने रेस्टोरेंट में, तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर रेगुलरली एक हैबिट बन जाती है, फिर वो आपके रेस्टोरेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने आपको ऑफर रन किया, एक बार आपने उनको मील प्रोवाइड कर दी, ठीक है, बेस्ट उन्हें खाना प्रोवाइड कर दिया, तो फिर क्या होता है कि वो फिर बाकी के दिन भी आपके रेस्टोरेंट में आना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से और भी ऑफर्स आप रेगुलरली सोशल मीडिया पे आप रन करते रहो, आप
इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस को, रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट है रन एड्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं, आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे एड्स रन कर सकते हैं। गूगल पे आप कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी को अगर होम डिलीवरी की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड एड रन कर सकते हैं। फेसबुक पे एड रन करनी है तो आप देखो कि आपका जो सर्कल है, आपका रेस्टोरेंट के अराउंड जो रेडियस में आप 5 किलोमीटर तक के रेडियस में आप अपनी एड रन कर सकते हैं, ऑफर रन कर सकते हैं वहां पे, ताकि लोग उस एड को देखें और आपके रेस्टोरेंट तक विजिट करें। ऐसे इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हैं, ऐसे अगर आपने अपनी यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोस बना के शेयर कर दी, या लोग खाना खा रहे हैं किस तरीके से आप सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी के साथ आप प्रोवाइड कर रहे हैं खाना, तो ये सारी आप वीडियोस बना के, तो इस तरीके से आप एड्स को रन कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। नाइन्थ जो मेथड है वो है ईमेल मार्केटिंग। जितने भी आपके पास जो भी यूजर्स आ रहे हैं, आप उनसे ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद जितने भी आपके ऑफर्स हुए, आपके फेस्टिवल्स पे कोई ऑफर है, या वीकेंड पे कोई ऑफर्स चल रहे हैं, या जब आप होम डिलीवरी करते हैं तो उस पे कोई ऑफर्स चल रहे हैं, या आपके मेन्यू से रिलेटेड क्या क्या मेन्यू आइटम है, उनसे रिलेटेड कुछ कोई नए मेन्यूज में कोई आइटम ऐड हुआ है, कोई डिशेज वगैरह बनानी आप सिखा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप ईमेल मार्केटिंग का भी यूज करो, और ईमेल मार्केटिंग से भी आप अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 10th पॉइंट है रेगुलर ब्लॉगिंग। रेगुलर ब्लॉगिंग से क्या होता है, आपकी आपके वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। रेगुलर ब्लॉगिंग में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके खाने के आइटम्स हैं उन सबसे रिलेटेड आप ब्लॉग पोस्ट शेयर कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, और उसकी फिर रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं। सोशल मीडिया से भी आप शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से भी आप अपनी रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन में। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनकी हेल्प से आप अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।